हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ जो 28 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा और समझा होगा और वो वीडियो आपके काम आई होंगी, क्योंकि करंट अफेयर हमें कई एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि बैंक, जेके, SSB, SSC और कई अन्य एग्ज़ामों में। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ अ UPI लाइट पेमेंट ट्रांजेक्शन। क्या है अपर लिमिट ऑफ अ UPI लाइट पेमेंट ट्रांजेक्शन की, एंड द करेक्ट आंसर इज ₹200। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को, एंड द करेक्ट आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड। कहाँ पे इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड हुई है, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज डेवलप रिलाविस्टिक क्लस्टर एम्पलीफायर विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। किस कंट्री ने डेवलप की है रिलाविस्टिक क्लस्टर एम्पलीफायर विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया एडवोकेटेड द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन एट विच इंटरनेशनल बॉडी। इंडिया ने एडवोकेट किया है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन एट विच इंटरनेशनल बॉडी, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीनेशनलिटी। कौन से इंडियन ने अभी अपॉइंट किया है UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीनेशनलिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज जयति घोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द अमेंडमेंट टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 विल टेक इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। जो अमेंडमेंट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 किस से इफेक्ट होना स्टार्ट होगी, एंड द करेक्ट आंसर इज April 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी हैज साइंड द एनर्जी डील विद विच नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। जर्मनी ने किसके साथ अभी एनर्जी डील साइन की है विच नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज कतर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च द इंडिया एंड द एक्ट्रिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी, एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द गोल्डन लंगूर इज द एंडेंजर स्पीशीज नेटिव टू विच कंट्री। जो गोल्डन लंगूर है वो किस कंट्री की एंडेंजर स्पीशीज है, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड भूटान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सक्षम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ विच आर्म फोर्स। जो सक्षम अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है वो किस आर्म फोर्स का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन बीरेन सिंह वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो एन बीरेन सिंह है वो स्वर्न मिनिस्टर किस इंडिया स्टेट का बना है, एंड द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज द वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। कब वर्ल्ड पोएट्री डे हर साल मनाया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज March 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्कीम। जो नेशनल एड और STD कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस कैटेगरी स्कीम के अंडर आता है, एंड द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीक्स टू इंश्योर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो सीक कर रही है इंश्योर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल द 2030, एंड द करेक्ट आंसर इज 6th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक्स डस्ट लेक इज अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। जो एक्स डस्ट लेक है वो जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज है जो हेल्ड की जाती है आर्म फोर्स ऑफ इंडिया और कौन सी कंट्री की,
एंड द करेक्ट आंसर इज उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022? क्या थीम है बिहार दिवस 2022 की? एंड द करेक्ट आंसर इज जल जीवन हरियाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिप्लोबी भारत गैलरी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच सिटी? जो बिप्लोबी भारत गैलरी है वो इनॉग्रेट की गई है रिसेंटली किस सिटी में? एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सिटी वॉज द स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज? किस सिटी में स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज हो रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री लॉन्च द ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉपरेशन? कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉपरेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुजलम 2.0 कैंपेन? क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुजलम 2.0 कैंपेन का? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजिंग मिसाइल? किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजिंग मिसाइल को? एंड द करेक्ट आंसर इज DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द BIMSTEC समिट इन 2022? कौन सी कंट्री होस्ट है BIMSTEC समिट इन 2022? एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट UT इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यम योजना? किस इंडियन स्टेट और यूटी ने इम्प्लीमेंट किया है मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2022? किसे अवार्ड दिया गया है एबल प्राइज 2022 का? एंड द करेक्ट आंसर इज डेनिस पार्नेलल सुलिवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।